अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? हाफिज मोहम्मद खान। हाफिज मोहम्मद खान। हाफिज मोहम्मद खान नाम तो बहुत अच्छा है आपका जी। तो क्या करते हैं आप? मैं फार्मासिस्ट भी हूँ और साथ में पढ़ाई कर रहा हूँ। पढ़ाई कर रहे हैं? स्टडी किस में? फार्मेसी में ही? फार्मेडी? नहीं, अभी तक तो 10th क्लास में हूँ, इतना ऊपर गया नहीं हूँ। अच्छा, मुझे लगा बहुत ऊपर चले गए। बहुत ऊपर चला जाता है लेकिन अभी गया नहीं हूँ क्योंकि कुछ हालात ऐसे थे। अच्छा, कुछ गलतियाँ ऐसी थी। अच्छा, ऐसी क्या गलती होगी कि आप अभी तक सिर्फ मैट्रिक में आगे जा ही नहीं सके? किसी से मोहब्बत तो नहीं हो गई? मोहब्बत नहीं, मोहब्बत के बाद शादी भी हो गई थी। शादी भी हो गई थी? अच्छा, तो फिर ऐसा क्या हुआ? कैसे लव मैरिज के बाद होता है, रिलेशन चला एक साल तक फिर खत्म हो गया। अच्छा, खत्म हो गया, डिवोर्स हो गई? जी जी, डिवोर्स। अच्छा, उसके बाद आप कंटिन्यू थी स्टडी या उसके बाद आपने दोबारा कंटिन्यू थी? जब मैंने फर्स्ट टाइम शादी की तो शादी करने के बाद मैंने यही सोचा था कि सब कुछ मेरा यही है, इसके बाद मेरा कुछ नहीं है, इनको ही कमाना है, कमा के खिलाना है, जो करना है इनके साथ ही है। लेकिन हालात बदलने के साथ साथ वो जब रंग दिखाना शुरू हो गए लोग, तो फिर मुझे पता चल गया था हमारा एक दूसरे के साथ रहना मुमकिन नहीं है, तो उनकी रजा पर मैंने डिवोर्स दे दिया। वो चाहती थी कि आप डिवोर्स दे दें और अच्छा, तो अभी उसके बाद फिर आप लाइफ में वापस आए, ये बड़ा अच्छा काम किया है। लाइफ में वापस आने का मेरा गोल यही था कि लड़की जात को पैसा चाहिए होता है। ऐसा नहीं कि सभी को आप एक ही तरह नहीं लेके सकते, लड़की जात को चाहिए होता है। लड़की हो और वो पैसा ना मांगे वो लड़की हो ही नहीं सकती। ये तो खुलाता ज्यादा है, ये मैं आपकी इस बात से इत्तेफाक नहीं। जिस तरह से सारे मर्द एक जैसे नहीं होते, उसी तरह से सारी औरतें या लड़कियां भी एक तरह की नहीं होती। आज के दौर में सब एक जैसे हैं, मतलब मर्द को भी पैसा चाहिए और औरत को भी पैसा चाहिए। औरत जो होती है ना, बेसिकली उसे पैसा चाहिए होता है। अच्छा, और मर्द वो हमेशा वो मर्द ढूंढती है जिसके पास पैसा हो। अच्छा, और मर्द हमेशा उसको ढूंढता है जिसके पास हुस्न हो। अच्छा, तो फिर दोनों ही मेरा ख्याल है कि अपने अपने लिहाज से चलते हैं और दोनों ही फिर बेईमान है। नहीं नहीं, बेईमान कोई नहीं होता। मर्द तो अपना किबला बहुत मुश्किल से बदलता है इश्क का। अच्छा, लेकिन जो औरत होती है ना, उसका पता नहीं चलता। एक आप एक लड़की के सामने खड़े होके ये बात कर रहे हैं? हाँ, लड़की के सामने खड़ा, मैं डरता थोड़ी हूँ, मैं बात कर रहा हूँ। लेकिन आप गलत बात कर रहे हैं, नो, ये रियलिटी है। जिस तरह से वो एक कहावत है ना कि पांच उंगलियां बराबर नहीं होती, तो इसी तरह से हर इंसान भी बराबर नहीं होता, हर लड़की भी बराबर नहीं होती। हाँ, ये है, लेकिन बहुत कम देखा जाता है ऐसा। मतलब अब मान रहे हैं कि होती है लड़की? बात ये है कि उसके बाद भी रिलेशन में कोई ना कोई तो आया ही होगा, ऐसे तो आजकल के दौर में कोई भी नहीं रहता। ऑब्वियसली वो तो बात ठीक है कि अब इसी तरह से फिर लड़कियां जो होती हैं वो सारी बराबर नहीं है। आपको अगर बुरा एक्सपीरियंस हुआ है तो इसका मतलब ये नहीं कि हर एक ही उसी कैटेगरी में आप रख दें, तो ये जरा थोड़ी सी मेरा ख्याल है। सिर्फ पैसा है और जो मेरे गोल्स हैं ना, जिसमें मैंने वापसी की है कि मैंने पैसा इतना कमाना है कि उन लोगों को खरीदना है, मैंने ये मेरे गोल्स। अभी भी उसी के लिए पैसा कमाना है? उसके लिए क्यों पैसा, वो तो छोड़ के चली गई, उसके लिए क्यों कमाना है? मतलब अपने आप को अपना लेवल इस तरह से करना चाह रहे हैं ना कि मैं उनको दिखा सकूं। उनको दिखाना क्या है, मैं बन के दिखाऊंगा उनको मैं क्या चीज हूं। तो क्या गोल्स हैं, क्या बनना है आपको? क्या गोल्स हैं? गोल्स बिजनेस करना है अपना बस। क्या बिजनेस करने का सोचा है? बिजनेस अभी तक तो ट्राई है बाहर की, ये अगले साल, तो उसके बाद इंशाल्लाह अल्लाह ताला ने जैसा चाहा। बस गोल्स ये है कि पैसा कमाना। तो आजकल की नौजवान को ये क्यों है कि हमने बाहर ही जाना है तो अमीर हो जाएंगे? और पाकिस्तान में क्या रखें? यहाँ पर भी अगर आप अपना बिजनेस करें तो मेरा ख्याल है कि आप कर सकते हैं। यहाँ पर बिजनेस करने का फायदा क्या है, जितनी इन्वेस्टमेंट करेंगे उससे ज्यादा तो आप पे कर्जा आ जाएगा। अच्छा, ये भी एक्सपीरियंस कर चुके हैं आप? जी बिल्कुल। वो कैसे, वो उसका भी थोड़ा सा एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर कर दें। कोई भी काम करो आप पाकिस्तान में, पहले तो लॉस होगा आपको, इतना लॉस होगा कि आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपके पास इतने पैसे थे तो इतने का लॉस कैसे हो गया। हाँ, ये पाकिस्तान की रियलिटी है। अगर आपके पास 10 रुपए थे तो 20 का लॉस कैसे हो गया। हाँ, यही बात है। सही, चलिए बहुत शुक्रिया आपका, और अपनी थोड़ी सी ना माइंडसेट चेंज करें। एवरीथिंग एवरी गर्ल इज नॉट फेक, मेरे ख्याल में सब पैसे दिखाते ही नहीं, ये रियलिटी। मैंने फिर यहाँ पर खड़े हो, मैं फिर आपको दोबारा से आपकी वो जो आपकी थोड़ी सी सोच चेंज हुई थी वो दोबारा मैं चेंज करूँ? नहीं, वो चेंज हो ही नहीं सकती। हुई है थोड़ी देर पहले आपने कहा कि हाँ, कुछ लड़कियाँ होती हैं। कोई क्लीन लड़की होगी लाखों में,
मान तो रहे हैं ना, जिसकी मान तो रहे आपने परवरिश सही की हो वो नहीं, ये तो आप सभी की ना जाए ना कि सभी की परवरिश गलत है, ठीक है। देखिए तो हमेशा घर से काम शुरू होता है, आई एग्री, ठीक है, लेकिन सभी बराबर नहीं होती। अगर आप 10 में से एक या 100 में से एक कह रहे हैं ना, अगर बाप और बेटा गैरतमंद है ना, तो उनकी माँ बेटी कभी भी ऐसा काम नहीं करेगी। हाँ मैं सबको डिफेंड भी नहीं कर रही, लेकिन कुछ ऐसी हैं जो अच्छी हैं, जो कुछ ऐसी हैं वो हैं। इसी तरह से मर्द है वो भी कुछ इस तरह से हैं कि बहुत लॉयल है, और कुछ इस तरह से कि गेम चेंजर। नहीं, हमेशा लड़की को ही लॉयल बनाना पड़ता है मर्द को। ना ना ना, ये आप हर एक का जो जिम्मेदारी है वो आप किसी लड़की पे नहीं डाल सकते। मर्द का काम होता है कमा के घर देना, बस और कोई काम नहीं। मैं आपको ये रियलिटी बता रहा हूँ, औरत का काम होता है कि वो घर को लेके चले सारे कामों को, ये नहीं कि वो अपनी ख्वाहिशात के पीछे लग जाए, बस उसे जो कुछ चाहिए मिले। वो औरत हमेशा यही चाहती है कि वो अपने घर वालों को छोड़ दे, बस मेरे साथ रहे। क्या उसकी माँ बहन नहीं है, कोई पीछे है नहीं? अगर खुदा ने खास्ता किसी का बाप ना हो, किसी का बाप ना हो, औरत कहे कि तुम मेरे साथ ही रहो, उसकी बहनें माएँ किधर जाएंगी? मैं वही तो कह रही हूँ ना कि आपकी बात आपके साथ हुआ, मैं मानती हूँ हुआ होगा, इस तरह की भी पाई जाती हैं लड़कियाँ, लेकिन मैं आपकी ये सोच थोड़ा सी बदलना चाह रही हूँ कि हर लड़की बराबर नहीं होती, हर लड़की ऐसी नहीं होती। देखिए पाकिस्तान में ना, पाकिस्तान में 70% लोग भीख मांग रहे हैं, वो भी छोटे बच्चे। आपको पता है किस बिना पे मांग रहे हैं? किस बिना पे? ये सारी लड़की का इफेक्ट है, लड़की के लिए सारे। आज में से 40% जो लोग हैं वो शादी करते हैं, शादी के बाद अक्सर यही होता है 25-26 साल की उम्र में शादी हो जाती है। कईयों के बाप होते हैं, कईयों के नहीं होते हैं, जो उनके होते हैं भाई बहन वगैरह होते हैं, जब लड़की मजबूर करती है या तो मेरे साथ रहो या उनके साथ रहो, तो मजबूरन लड़के ने अपने कुछ ना कुछ रिश्तों को बताना होता है, जो तो भीख मांगने निकल जाते हैं। नहीं, वो भीख मांगने नहीं निकलते। अभी पॉइंट पे बात आने तो दें आप। चले चले, जो लड़की होती है मजबूर करती है, लड़का अपने बहन भाइयों को छोड़ देता है। अच्छा। छोड़ देता है ना। ओके, नेक्स्ट। अब उनके पास पिछला काम कौन सा है, वो तो बेचारे छोटे छोटे हैं, उनको तो पता ही नहीं है दुनिया का। अच्छा। वहाँ जरिया मुआश के फिर रोडों पे धक्के खाते हैं। ये रियलिटी है, लड़की होती है हमेशा ऐसे है कि उसे पैसा चाहिए होता है, पैसे के बिना अभी भी यही कहूँगी वो होगी आई एग्री, लेकिन सब लड़कियाँ बराबर नहीं है। सब लड़कियाँ बराबर ही है नहीं है, कोई लाखों में एक बता रहे वो अच्छी होती है, बस मैं हूँ ना, मैं बहुत अच्छी हूँ, आपका तो मुझे पता नहीं है। इसी तरह से आप एक के बिहाफ पे पूरी लड़कियों को जज नहीं कर सकते। जज कैसे, अब आपका मेरा पता ही नहीं है, आप कौन नहीं पता ना आपको, ये जो भी गुजर है आपको किसी का भी नहीं पता। नहीं पता, नहीं पता, लेकिन सबको एक ही कैटेगरी में कैसे ले सकते। मुझे पता था जब मैंने फर्स्ट टाइम लव किया, मुझे पता था ये मेरे साथ ऐसे करेगी। आपको एक है ना, एक के साथ आपका इस तरह से हो गया, इट डजंट मीट मीनिंग कि ये आपके साथ सभी लड़कियां ही ऐसे मींस, जो दूसरी आई उसने भी ऐसे किया, मतलब दूसरे रिलेशन में जब मैं रहा पहली दफा, अल्लाह ताला ने मुझे इन कामों से धचका दिया कि हट जाओ इन कामों से। अच्छा, हट गया। जब दोबारा फिर इंसान है, इंसान आपको पता है गलती पे गलती करता है, गलतियों का पुतला है, जब दोबारा फिर एक रिलेशन में था तो फिर मुझे पता चला कि ये रियलिटी है, हमेशा जो लड़की होती है वो धोखा ही देती है। ठीक है, आप दो दफा ट्राई कर चुके हैं, आप कह सकते हैं। अभी भी आप नहीं मान रही तो फिर और कोई प्रूफ ले लें मुझसे। आपके साथ हुआ, मैं अभी भी अभी अपनी बात पे ही हूँ, आपके साथ जो हुआ लाजमी नहीं वो हर लड़की ही हो। अब आपका दो एक्सपीरियंस हो चुके हैं। नहीं, आपको तो एक्सपीरियंस होगा, इतनी आपकी एज होगी। अच्छा, कितनी एज हो गई? कम अज कम होगी 20+ तो होगी। अच्छा, फिर कभी आपने लव किया, प्यार किया, मोहब्बत की? अच्छा, उसके बाद किया? मैं ये पूछ रहा हूँ, उसके बाद तो बताएं ना। बताएं पहले, आप मुझसे पूछ सकती हैं, मैं भी तो आपसे पूछ सकता हूँ। अच्छा चले, मैं जो मर्जी समझ। नहीं नहीं, जो मर्जी बताएं, हाँ या ना में जवाब दे। अच्छा, हुई होगी, हुई होगी। कितनों का दिल तोड़ा? नहीं, ये अब कितनों की दिल तोड़ेगी मैं कैसे कह सकती हूँ, ये लड़की की रियलिटी है। नहीं, एक हो सकता है कि मैंने, आप मेरी बात जोड़े। नहीं, ये आप पहले मुझे मनवा रहे कुछ बातें, अब अपनी बारी है ये, तो आप कैसे कहने। लेकिन मैं अभी भी कह रही हूँ, मैं सभी लड़कों को एक ही कैटेगरी में नहीं ला रही, ठीक है।
रिसर्च आप करें, इसी तरह से कुछ लड़के होते हैं फेक और कुछ रियल होते हैं, इसी तरह से लड़कियां कुछ फेक होती हैं कुछ रियल होती हैं। लड़का कभी भी फेक नहीं होता, उसे लड़की फेक बनाती है। आप गलत हैं। मैं गलत नहीं हूँ, आप गलत हैं। आप गलत हैं। आप बताएं ना फिर, हाँ या ना में जवाब दे दें, बस पता चल जाता है अभी। मैंने तो कहा था ना हाँ समझ ले। हाँ समझ ले नहीं, हाँ या ना, ये अभी अपने मुंह से कह रही हैं कि हाँ समझ लें। आपने कहा, आपने कहा मोहब्बत की, तो मैंने इसका मैं अब की का बता रही हूँ। मतलब पुख्ता हाँ नहीं है, किसी वक्त भी दिल चेंज हो सकता है। नहीं ऐसा नहीं, वो तो अल्लाह ताला के काम है ना। ये देखें, ये होती है सबसे बड़ी फितरत लड़की। लड़के की भी होती है, देखो कहाँ जहाँ तुम्हें खूबसूरत लड़कियाँ नजर आ रही हैं उधर उधर देख रहे हो। मेरा तो किसी पे भी नहीं दिल आया, ना ही मैं लाना चाहता हूँ। चलें, गुड लक फॉर योर फ्यूचर, थैंक यू सो मच।